तो ये है WWE का लेटेस्ट न्यूज कॉम्बो। तो आज हम WWE के जो कि अभी तक की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं हरमन। चलिए वीडियो में चलते हैं। पहले तो अगर हम बात करें जो कि सबसे पहले अपडेट है वो है कार्ल एंडरसन से रिलेटेड, जो कि कार्ल एंडरसन है उनकी जो कि सबसे बड़ी अपडेट ये निकल कर आई है कि वो शायद जल्द जो कि है WWE में एक सिंगल रन के साथ आ सकते हैं। जैसे कि उनकी लेटेस्ट जो कि इंस्टाग्राम पोस्ट थी उसमें उन्होंने बताया कि ये जो आपने देखा था मेरी आज की रो पे, ये सिर्फ एक पावर थी मेरी 10 में से। तो अगर मैं बात करूँ WWE जो कि है कुछ इस तरीके से दिखाना चाहती है कि कार्ल एंडरसन जो कि है वो जल्दी ही एक सिंगल रन में आने वाले हैं। उसी के बाद जो कि बहुत बुरी खबर है फिन बैलर के पास, यानी कि फिन बैलर के फैंस के लिए, जो कि फिन बैलर के फैंस है उनके लिए बुरी खबर ये है जो कि फिन बैलर है उनका बैलर कब अब जो है WWE में बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे कि हमने देखा अगर वो सिंगल रन में आ जाते हैं, और ऑफ कोर्स हर एक रेसलर सिंगल रन में आना चाहता है, बट अगर कार्ल एंडरसन सिंगल रन में आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा फिन बैलर के लिए दोबारा से जो कि अपना क्लब वगैरह बनाना। जिस वजह से कि एक अच्छी बात ये होगी कार्ल एंडरसन को एक अच्छा WWE पुश मिल जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि वो यूनाइटेड स्टेट्स या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लेवल तक पहुंच पाएंगे। वर्ल्ड टाइटल तो बहुत दूर की बात है। उसी के बाद अगर हम सेम चीज के बारे में बात करें इनकी कार्ल एंडरसन की, तो कार्ल एंडरसन मेरे हिसाब से टैक्टिंग में ही बहुत अच्छे थे, और ये लुक गैलोस के लिए बहुत बुरी खबर है, और फिन बैलर के लिए तो ऑफकोर्स है ही, बट लुक गैलोस के लिए सबसे बड़ी है क्योंकि लुक गैलोस जो की है वो ना तो कुछ और कहीं कर सकते हैं ना वो सिंगल्स में इतना बढ़िया कर सकते हैं, बिकॉज वो टैग टीम में ही स्पेशलिस्ट हैं। बट ऐसा जो कि कार्ल एंडरसन अगर करते हैं तो ये बहुत सारे करियर पर इफेक्ट डालेगा। अगर मैं कहूँ तो बुलेट क्लब अगर हमें फ्यूचर में देखने को मिल जाता है तो मेरे हिसाब से उससे बेटर क्लब जो कि है इस टाइम WWE में कोई नहीं बन पाएगा, चाहे वो बुलेट क्लब ही हो जाए, बट फैलर क्लब जो कि है इस टाइम पर मोस्ट प्रोबेबली बन सकता है, वो बनना भी चाहिए। उसके बाद जो कि पॉसिबली WWE जो कि है ओपोनेंट देने वाली है ब्रॉन स्ट्रोमैन को, तो वो होने वाले हैं एलायस। एक्चुअली जो कि एलायस है उनके पॉसिबल ओपोनेंट तो है, बट मेरे हिसाब से वो डिजर्विंग है ये तक ही। बट अगर हम बात करें आगे जाकर जैसे WWE से मेन इवेंट वगैरह में डालना चाहती, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बहुत बड़ी बेवकूफी थी वो। एलायस एक अच्छे रेसलर है बहुत ज्यादा, बट उनका पर्सनल कनेक्टर और इतना सब कुछ जो कि है वो डेवलप नहीं हुआ, जिस वजह से कि वो मेन इवेंट या फिर सिंगल्स रन तक भी पहुंच पाए। बट ब्रॉन स्ट्रोमैन जो कि है वो एक न एक यूनिवर्सल टाइटल तो जरूर डिजर्व करते थे। मेरे हिसाब से रेसलमेनिया 34 पर उनका शॉट था, जैसे कि उन्होंने प्रीवियसली काफी कुछ किया, हमने देखा था कि ट्रक पलटा देना, एम्बुलेंस को पलटा देना, कहीं से धक्का दे देना, ये सब चीजें अगर वो कर सकते हैं तो बहुत पावरफुल दिखाया जा रहा है, और इस हिसाब से उन्हें यूनिवर्सल चैंपियनशिप पर एक शॉट तो वन इन वन बनता था रेसलमेनिया 34 पर। बट हालांकि जो कि रोमन रेंस है वो भी काफी ज्यादा डिजर्विंग है, बट अगर हम बात करें तो इन दोनों की जोड़ी जो है काफी अच्छी बैठेगी, एलायस और ब्रॉन स्ट्रोमैन की दोनों की जो जोड़ी है वो जीत सकती है रॉ टैग टीम चैंपियनशिप रेसलमेनिया 34 पर। नेक्स्ट इसके बारे में अगर हम बात करें तो वो है रोमन रेंस रिलेटेड। तो बहुत सारे लोग जो कि मुझे DM कर रहे हैं कि जो कि रोमन रेंस है क्या वो अब WWE से परमानेंटली सस्पेंडेड हो चुके हैं, क्या वो रेसलमेनिया मिस कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ मेरा हिसाब था। और अभी जो कि एक्सपर्ट्स के निकल कर आई है तो ये बिल्कुल भी जो कि स्टोरी लाइन से रिलेटेड नहीं है। अगर उन्हें फायर किया गया तो वो स्टोरी लाइन की वजह से नहीं, पर ना ही वो ड्रग वायलेशन वगैरह किसी चीज के लिए नहीं है, बट एक रो पे शायद कुछ WWE को करना था, कुछ स्टोरी लाइन का भी हिस्सा है। बट अगर मैं बात करूं तो सिर्फ स्टोरी लाइन का हिस्सा 20% ही है, बाकी जो की है वो ऑनेस्टली WWE ने खुद की तरफ से किया था, इस वजह से वो रेसलमेनिया मिस नहीं कर रहे, शायद वो नेक्स्ट रो पर हमें देखने को भी मिल सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया को देखने के लिए, यहां तक वीडियो देख ले तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं हरमन।